आज हम लोग बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। मेरा और एक एग्जांपल है, मैं एक बार फोर्ट में सीएसटी फोर्ट दोनों अलग है, थोड़ा दूर है, लेकिन वहाँ पे मैं दूध पी रहा था। तो उनको जाके बोला, फ़ोन पे था कंटिन्यूस, मैं जब शेयर मार्केट पे था मेरे ख्याल से, तो कंटिन्यूस किसी का कॉल रहता है, ये रहता है, कल रहता है। तो मैं ऐसे घूमते घूमते मैंने बाहर बॉम्बे में एक अलग तरह का, बॉम्बे नहीं, हर जगह पे दूध का अलग 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 यार एक वाटी होता है ना, इतना बड़ा टोप रहता है, इतना चपटा ऐसा, उसमें बाहर दूध था। तो मैं फ़ोन पे था, मैंने जाके उनको बोला, ऐसा हाथ दिखाया और एक ग्लास बोला ऐसा, क्योंकि फ़ोन चालू है ना, तो उन्होंने ठीक है बोला। तो मैं अंदर गया, अंदर जाके दूध का पैसा दिया, उनको भी बोला नहीं, तो उन्होंने बाहर से बताया, दूध का पैसा लो, बोले ठीक है, एक पैसा उन्होंने ले लिया, दूध का पैसा दिया। मैं चिलर देखे आ गया बाहर, तो इन्होंने दूध दिया, तो मैं दूध पी रहा हूँ और रोड पे चलते चलते पी रहा हूँ, आगे पीछे रोड पे, इधर उधर, शॉप में नहीं पिया मैं, रेस्टोरेंट में नहीं, बाहर ऐसा घूमते घूमते, छोटा सा शॉप था वो। लेकिन क्या ना, दूध में डालने के टाइम वो चीनी वगैरह डाल के था ना, तो जो ग्लास की जो टॉप है उसमें फिसलता है, राइट, क्योंकि शक्कर भी है, दूध भी है, तो वो फिसलता है। तो मेरा स्टाइल कैसा था, ऐसा पीता हूँ फिर ऐसा घूमता हूँ, फिर ऐसा पीता हूँ फिर ऐसा घूमता हूँ, कौन चालू ऐसा ऐसा करते 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 एक बार गिर गया ग्लास, फट करके गिरा, टूट गया ग्लास, ओके। और मैं जैसे जैसे उधर बात कर रहा हूँ, इधर बात कर रहा हूँ, खड़ा रह के भी पिया नहीं, इधर उधर चलते जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, फिर स्टाइल से ग्लास को ले रहा हूँ, ऐसा पकड़ने का ना ग्लास, मैं ऐसा पकड़ रहा हूँ, तो ये सब स्टाइल विल सब फोकट का नाटक सब चालू था, और गिर गया। और जितना भी दुकान वाले मुझे देख रहे थे, उधर रोड वाले, बहुत खुश हो गया बहुत नाटक कर रहे थे, खड़ा रह के, तो गिर गया, ठीक है फाइन। सो एक कॉल में मैं जिसके साथ था ना, उसको कुछ भी पता नहीं है मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, देखा ग्लास गिर गया नीचे, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, और दुकान वाले काउंटर में जो बैठा उसने भी देखा, जिसने भी जो दूध दिया उसने भी देखा, सब देख रहे हैं कि ग्लास टूट गया, उनसे बात कर रहा हूँ, अच्छा हाँ, इनसे बात करते करते मैं सीधा वापस काउंटर पे गया, जाके वापस एक 50 रुपये दिया, उसको मालूम है कि पैसा पहले मैंने दूध का पैसा दे दिया, अभी दोबारा पैसा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने जो ग्लास टूटा है उसका पैसा दे रहा हूँ। तो उनको दिया, तो उन्होंने ग्लास का भी पैसा ले लिया, ग्लास का पैसा दे के कुछ छिटा दिया, मैं आ गया, फिर मैं बाहर आके बात कर रहा हूँ, और काउंटर में उन्होंने मेरा ग्लास का पैसा लेने बोला, लड़के को ए साफ़ कर रहे ऐसा करके बोला, ठीक। तो वो आके ग्लास टूटा वो निकाल रहा था, साफ़ कर रहा था, सब चालू था, मेरा बात चालू था, मेरा कंटिन्यूस बात चालू था, ग्लास टूटा तभी भी बात चालू था, ग्लास का पैसा दिया तभी भी चालू था, ग्लास का साफ सफाई हो रहा था तभी भी चालू था, इनको अता पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने ग्लास फोड़ दिया। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको, कहीं पे भी एक ऐसा आपको बहुत इमोशनली स्ट्रांग और लॉजिकली आपको करना है, बस दैट इज़ अ वन थिंग विच आई वांट टू वही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। कहीं पे भी पैनिक मत हो जाइए, कूल काम चीज़ों को हैंडल करिए, सब कुछ अच्छा होगा। मेरे एक पापा ने अगले वीडियो बता दो, थैंक यू सो मच।